आज मैं आपके साथ एडमिंटन एल्बर्टा की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो मार्च में हम कहाँ थे उसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था। तो टोटल न्यू लिस्टिंग जो मार्च में आई हैं वो 4,293 लिस्टिंग्स आई हैं, जबकि उसमें से जो बिकी हैं वो 3,282 बिकी हैं। और एवरेज यानी हाउसिंग प्राइस जो सब घर मिला के एवरेज की है प्राइस है 415,000। तो और एवरेज डेज इन द मार्केट जो घर बिक रहे थे एडमिंटन के अंदर मार्च में वो जो है 34 डेज में बिक रहे थे। और सिंगल फैमिली जो है वो एवरेज 504,000 की एवरेज प्राइस आई है मार्च की जो है सेल के हिसाब से, और 27 डेज के अंदर घर बिक रहे हैं। और मंथ ओवर मंथ यानी फरवरी और मार्च के अंदर 2% दाम बढ़े हैं, और ईयर ओवर ईयर 21-22 के अंदर 9.9% दाम बढ़े सिंगल फैमिली के। कॉन्डो जो है वो 245,000 का एवरेज और एवरेज 51 डेज में बिके हैं, मंथ ओवर मंथ 8.4% दाम बढ़े हैं और ईयर ओवर ईयर 6.7% दाम बढ़े हैं। रो हाउसिंग या डुप्लेक्स जिसको कहते हैं वो है तकरीबन एवरेज 389,000 के और 29 डेज में घर बिके हैं, मंथ ओवर मंथ अगर कंपेयर किया जाए तो 3.8% बढ़े हैं, ईयर ओवर ईयर 11.8% बढ़े हैं। ये कि डुप्लेक्स के दाम यानी तकरीबन लास्ट ईयर से बहुत 12% के करीब बढ़े हैं, और जो सिंगल फैमिली है 27 डेज के अंदर बिक रहे थे। और अभी बजट आया है 7 अप्रैल को 2022 के अंदर, तो गवर्नमेंट ने अफोर्डेबिलिटी यानी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और डिमांड एंड सप्लाई को कम, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेप्स उठाए हैं। पहला स्टेप ये उठाया है कि 2 साल के लिए फॉरेन होम बायर्स को बैन कर दिया जाए कि वो लोग बाय कर सके। उमन फॉरेन बायर 5% के करीब हैं मार्केट में, उनको बैन किया जाए, लेकिन रिफ्यूजी जो हैं जो यहाँ पे रहते हैं और फॉरेन वर्कर हैं स्टूडेंट हैं वो उससे एग्जेम्प्ट हैं, यानी वो लोग बाय कर सकते हैं। और टैक्स फ्री अकाउंट, होम सेविंग अकाउंट इंट्रोडक्शन, जिस तरह RRSP अकाउंट होता है इस तरह होम फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट का भी इंट्रोडक्शन किया है जिसमें 40 साल से कम उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं और वो 40,000 तक उस टैक्स फ्री अकाउंट के अंदर सेव कर सकते हैं, और वो अपने फर्स्ट होम बायर के बाय करने के लिए या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरा, CMHC को गवर्नमेंट ने बहुत सारी फंडिंग अलॉटेड की है ताकि वो 5 साल के अंदर तकरीबन 1,00,000 घर बनाए ताकि लोगों को अफोर्डेबिलिटी बढ़े। और चौथा जो है ना, फ्लिपिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि कोई भी आदमी 12 महीने से पहले घर अगर बेचेगा तो उसका प्रॉफिट टैक्स बिजनेस टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा, लेकिन उसके अंदर भी जो लोग हैं जैसे मजबूरी की वजह से जो लोग जिनको बेचना पड़ रहा है घर, जॉब की वजह से, डेथ की वजह से, डाइवोर्स की वजह से, वो लोग एग्जेम्प्ट हैं। ये है कि अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ये ट्राई कर कोशिश कर रही है, इंटरेस्ट रेट भी शायद नेक्स्ट वीक में थोड़ा बढ़ेगा तो उसको थोड़ा स्लो डाउन, मार्केट को स्लो डाउन करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। और एडमिंटन के बारे में मैं बताऊँ कि एडमिंटन की मार्केट अभी भी बहुत अफोर्डेबल है, 415,000 एवरेज हाउसिंग प्राइसेस है जो कंपेयर टू टोरंटो के मुकाबले में हम लोग 1/3 है। और जॉब मार्केट भी बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई है। यह है कि मेरा नाम रहीम अब्दुल है और मैं रिमैक्स एक्सेलेंस के साथ यानी रियल्टर हूँ। आपको एडमिंटन के बारे में कोई भी हाउसिंग के बारे में मालूमात करनी हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया।